नाज़रीन असां शिकारपुर शहर जे हिकु मकामी होटल में मौजूदु आहियूं जिते लाइव स्टॉक पारां चौपाई माल जी थींदड़ नसल कशी जी रोकथाम जे हवाले सां तरबियती वर्कशॉप मुनक़द कयो आहे। हैदराबाद लाड़काणे समेत मुख़्तलिफ़ शहरनि खां चौपाई माल जा माहिर अचो त उन्हनि सां ॻाल्हायूं त हुननि जो वधीक इन सिलसिले में छा चवणु आहे। एडीपी स्कीम आहे जंहिंमें असां वटि जेके अमूमन ईअं थींदो हो त जेके मींहुं डिलीवरी ॾींदियूं हुयूं नंढा फर थींदा हुया उहे फार्मर्स जेको आहे उहे कपाए छॾींदा हुआ या कासाइनि खे ॾेई छॾींदा हुया ऐं नंढी उमिरि में जेके स्लाटरिंग कराए छॾींदा हुया ऐं उन ते उन जे सिलसिले में ही हिकिड़ी फार्मर्स खे अवेयरनेस हिकिड़ो प्रोग्राम आहे त इन्हनि नंढनि फारनि खे पाॾनि खे या जेको आहे तव्हां जेको खपाए था छॾियो या स्लाटर कराए था छॾियो बजाए उन जे तव्हां हिकिड़ी नसल कशी था कयो त उन्हनि खे बचायो ऐं उन्हनि जे लाइ असां उन्हनि खे टेक्निकल जेके एक्सपर्टीज़ आहिनि उहे ॾियूं था पिया त कीअं उन्हनि जो वज़न वधाइजे कीअं उन्हनि जी ज़िंदगी बचाइजे कीअं वॾा कजनि त जीअं मीट प्रोडक्शन बि असां वटि बहितर थी सघे ऐं उन खां अलावा असां वटि जेको नसल कशी थिए थी पई जेके फीमेल काव्स आहिनि उहे बि असां स्लाटर थियनि था त उहे जीअं बचाए सघजनि त जीअं असां वटि जीअं मेन में कुंडी नसल आहे ऐं जेको आहे गवनि में रेड सिंधी आहे ऐं मुख़्तलिफ़ नसल आहिनि जेके असांजा ॾींहों ॾींहुं जेके खुटंदा था वञनि उन्हनि खे बचाइण जे लाइ ई हिकिड़ो वॾो प्रोग्राम गवर्नमेंट लाइव स्टॉक डिपार्टमेंट जेको आहे सिंध गवर्नमेंट लॉन्च कयो आहे जंहिं तहत पूरे असांजे सिंध में मुख़्तलिफ़ ज़िलनि में ई कमु करे पियो हले पियो त जीअं असां इन्हनि जो मीट प्रोडक्शन बि वधीक वठी सघूं ऐं फार्मर बि खुशहाल थिए जीअं गोश्त जी पैदावार वधी वञे त असां फॉरेन जेको आहे एक्सपोर्ट बि करे सघूं। असां प्रोग्राम ॾियूं था तव्हांजे मीडिया जे तवसत सां या जेको असांजा टेक्निकल एक्सपर्टीज़ जे हवाले सां फार्मर्स खे अवेयरनेस ॾियूं था त इहे बजाए इन्हनि खे कोहण जे या ज़बह कराइण जे इन्हनि खे पालियो ऐं टिनि चइनि महीननि ताईं तव्हांखे गवर्नमेंट वधि खां वधि मेडिकेशन जूं सहूलियतूं वैक्सीनेशन जूं सहूलियतूं तव्हांखे उन्हनि जे लाइ सुठा हिकिड़ा जेको आहे शेड ठाहिण जे हवाले सां तव्हांखे रहनुमाई कंदी पर तव्हां इहो एतिरो सहकार कयो लाइव स्टॉक डिपार्टमेंट सिंध सां त जीअं तव्हां जेको आहे इन्हनि खे वधीक पाले ऐं इन मां वधीक पैदावार वठी सघिजे। गवर्नमेंट ऑफ सिंध जो मनसूबो आहे ऐं हीअ 11 ज़िलनि में हली रहियो आहे ऐं अॼु जेका असांजो हीउ प्रोग्राम हुयो शिकारपुर ज़िले में हुयो ऐं हिन जो मक़सदु इहो आहे त मालवंद भाइरनि खे जानवर पालण लाइ गोश्त जे जानवर पालण लाइ आमादा करणु आहे ऐं जानवरनि खे गोश्त लाइ पालण वधीक हिकिड़ो मुनाफ़े बख़्श कारोबार आहे ऐं वधि में वधि फार्मर पाण खे रजिस्टर कराइनि स्पेशली आउं चवंदसि त जेके असांजूं लेडीज़ भेनरूं आहिनि उहे बि हिन में हिसो वठनि ऐं रजिस्टर पाण खे कराइनि त जीअं वधि में वधि फ़ाइदो थी सघे छाकाणि त जेकॾहिं असांजो मालवंद भाइर ऐं भेणियूं ख़ुशहाल हूंदियूं त असांजी सिंध ख़ुशहाल हूंदी जॾहिं असांजी सिंध ख़ुशहाल हूंदी त असांजो पाकिस्तान ख़ुशहाल हूंदो। छोटे बच्चों का जो काटने का सिलसिला है वो ये आज से नहीं हो रहा है, ये बहुत टाइम से हो रहा है, हमेशा से होता जा रहा है कि छोटे बच्चे क्योंकि उनको दूध ज़्यादा पिलाया जाता है, दूध की ज़रूरत ज़्यादा होती है तो फार्मर्स इसलिए उनको काट देते हैं ताकि दूध की जो हमारी है वो बचत हो और दूध हम सेल करें और उससे पैसा हासिल करें। तो इसलिए हम ये प्रोग्राम कंडक्ट कर रहे हैं कि उसको जो है ना ज़िबा नहीं करना चाहिए और उसको जो है ना पालना चाहिए। पालने के बाद जब उसकी पैदावार हमें मिलेगी, एक भैंस जो है कितनी ज़्यादा लैक्टेशंस देती है उतना दूध की मिकदार हमारी जो है पूरी हो जाएगी और बहुत ज़्यादा बल्कि उससे फ़ायदा हासिल किया जा सकता है। लाइव स्टॉक की तरफा असाजी ही ब स्कीम्स इंट्रोड्यूस थियन इन में यो आहे त भाग्या असाजा जेके भी भाईर आन उ असाजे डिनल तरीकन सा पंजे पादन ए गाबन के पालींदा तो ओड़े हिसाब से जैक असाजे क्राइटेरिया ते हू पूरा अची वेंदा तो उन्हें मुआवजो भी अस उन्हें दींदी पर गाबे ते या पाडे ते इन में मां इहो ई चवंदसि त असांजी जेके भेणूं आहिनि मालवन भेणूं जेके आहिनि उहे बि हिन में शरीक थी थियूं सघनि पार्टिसिपेट करे थियूं सघनि। मां इहो ई चवंदसि त हू अॻिते अचनि ऐं हिन में पार्टिसिपेट कनि ऐं जेके बि नई शयूं असां ॿुधायूं था मालवन भाइरनि खे ऐं भेणुनि खे उहो इन सां फ़ाइदो वठनि। थैंक्यू। जो नए बच्चे हुते पैदा हुए बच्चे भैंस करानी वग़ैरह में जो ज़िबा हो जाते हैं उनको बचाना है और पाल के उनको फ़ायदेमंद कारोबार बनाना है। इसी सिलसिले में आज हमारी पहली मीटिंग है जिसमें हम अपने डॉक्टर्स को आज ट्रेनिंग दी है, बताया कि प्रोजेक्ट के बारे में क्या है और किस तरह से काफ पाले जाएं कि वो बेहतर मुनाफा हासिल कर सकें। मैं इस चैनल के तवज्जो से बताना चाहता हूं कि 1 से 10
काफ के बच्चे जिस फार्मर के पास हैं बड़ाड़ी के अंदर, वो अपने आप को रजिस्टर करा सकता है। और शहर में जो हैं 10 से ज़्यादा काफ होने चाहिए, बच्चे होने चाहिए भैंस के। इसी तरह से फैटनिंग में भी 1 से 10 गाबा और पाडा हों जिनको आप रजिस्टर कर सकते हैं, पर उनकी उम्र 1 से 1.5 साल के दरमियान होनी चाहिए। कम से कम वज़न उनका 200 किलो होना चाहिए। और शहरी इलाके के अंदर 10 से ज़्यादा गावे और पाड़े हों जिनको पालें और ज़्यादा मुनाफा हासिल करें। कैमरा टीम सांगड़ जेब जोखियो न्यूज़ ने टीवी।